बच्चों, आज गणित का वर्कशीट नंबर 7 है, 19 जुलाई की। इसमें आपको सिखाया जाएगा रैखिक समीकरण के बारे में। एक ऐसा गति कथन जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज है, एक ऐसा कथन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इज इक्वल टू का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इज इक्वल टू का चिन्ह है, ठीक है? इस चिन्ह को बोलते हैं बराबर का चिन्ह। इज इक्वल टू अगर इसमें है तो उसे क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन, समीकरण। बताया ना, इसमें एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। क्या दो साइड होते हैं? एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। बीच में क्या होता है? बराबर का चिन्ह, इज इक्वल टू का चिन्ह। एक चर वाले रैखिक समीकरण में मुख्यतः ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक चर वाले, एक चर मीन्स वन वेरिएबल, चर मीन्स वेरिएबल, चर मीन्स वेरिएबल। एक चर मीन्स उसमें एक वेरिएबल होगा, और रैखिक समीकरण में ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में वो होगा। तो मैं दर्शाया जाता है यहाँ ए और बी उसके वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, अचर है, नॉन वेरिएबल है। तो अगर कोई समीकरण ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बोलेंगे। एक्स एक, उसमें एक्स क्या है? वेरिएबल है, और केवल एक है, एक वेरिएबल है इसमें, तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, और एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, या वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिसका केवल एक ही हल है। इसका आंसर, इसका उत्तर भी एक ही आएगा। एक अचर है ना, एक चर है, और उत्तर भी एक आएगा, और इसको ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ का पक्ष और दाएं हाथ की तरफ वाला पक्ष। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है, और इसमें जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर, उससे एक्सपोनेंट वन है, ठीक है? रैखिक समीकरण में इसकी जो चर की जो पावर है, जो उसकी घातांक है, वो एक है। जैसे इसमें एक्स की घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो एक मानते हैं, तो एक है। तो ये भी इसमें ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए 5x-3 इज इक्वल टू 7, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको, ये भी क्या है? एक क्या है? एक ये भी एक समीकरण है। इसमें क्या है? एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, और इसमें ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ये ध्यान देने की बात है। और इसमें चर क्या है? एक्स है, जिसकी घात एक है, और दायां पक्ष क्या है? 7 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक घाती रैखिक समीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, तो बताइए आपने कुल कितने पौधे लगाए? अभी कह रहा है आपने लॉकडाउन में क्या क्या पौधे लगाए, और पौधों की संख्या को अगर दुगुना कर दें और उसमें 3 जोड़ दें, आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या को दुगुना करके उसमें 3 जोड़ दें तो 9 प्राप्त होता है, तो बताइए आपने कितने पौधे लगाए? तो कैसे करोगे? तो जो चीज़ आपको निकालनी है, सपोज आपने कितने पौधे लगाए, तो वो चीज़ आप मानोगे। वो चीज़ क्या है? वेरिएबल। आपको पता है ही नहीं, तो आपने एक वेरिएबल मान लिया। कितने, सपोज आपके, आपने कितने पौधे लगाए, आपने, आप इसको स्टेटमेंट करोगे हल। माना लॉकडाउन के दौरान मैंने एक्स पौधे लगाए, ठीक है? एक्स पौधे लगाए गए। अब स्टेटमेंट क्या है? कि उसका दुगुना किया, जितने पौधे लगाए उसका दुगुना किया, तो क्या हो गया? 2x। उसमें 3 प्लस किया तो कितना हो गया? कितना प्राप्त होता है? 9। तो ये बन गया आपका इक्वेशन, बन गई। इसमें 2x इज इक्वल टू 9-7, और 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। तो अतः आपने कितने पौधे लगाए लॉकडाउन के दौरान? 3 पौधे लगाए। तो ऐसे आप उसको कर सकते हो। एक वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास एक ही सवाल था, एक आंसर पूछा गया था आपसे कि आपने कुल कितने पौधे लगाए, तो उसमें आ गया पौधे कितने लगाए? 3 लगाए। अब इसमें आगे एक और उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 है। क्या x-3/x+5 इज इक्वल टू 3/4, यानी x-3/x+5 बराबर 3/4 एक चर वाली रैखिक समीकरण है? अब इसको वेरीफाई करना हमने, तो इनको क्या करेंगे? ये इसको गुणा कर देगा, और ये इसको गुणा करके ये इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, तो इससे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो ये क्या करेगा? फोर, इससे हम क्या करें? 4 से इस पूरे को गुणा करेंगे, इज इक्वल टू 3 से इस पूरे को गुणा कर देंगे, ठीक है? 4 से ये गुणा करके इधर लिख दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और 3 से इसको गुणा करके राइट हैंड साइड लिख गया, बीच में जो बराबर का चिन्ह होता है समीकरण का, वो लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 4 से इसके अंदर हमने गुणा किया, तो ये एक्स गुणा 4 हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया, 3 × 4 आ गया, इज इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, एक्स 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x+3×5। और आगे क्या, तो ये हो गया 4x और -12, ठीक है? 3 × 4 = 12 हो गया, इज इक्वल टू 3x+15। अब हमने क्या किया, ये इज इक्वल टू बीच में, अब हमने एक्स एक्स को एक तरफ किया, तो ये हो गया 4x-3x इज इक्वल टू 12, इधर गया तो प्लस हो गया, 12+15, तो एक्स इक्वल टू 27। तो एक्स क्या है? -27 इज इक्वल टू 0, जो एक क्या है? रैखिक समीकरण है। तो ये उसी फॉर्म में आ गया ना, ए एक्स प्लस बी,
ए इसमें एक है, बी इसमें 27 है, इक्वल टू सी फॉर्म आ गया और एक्स में एक्स की वैल्यू भी प्राप्त हो गई और एक्स की वैल्यू हमको एक प्राप्त हुई, तो इसका उत्तर एक आया। तो ये क्या है, रैखिक संख्या है। रैखिक संख्या को हम ए एक्स प्लस माइनस बी इजिकल टू जीरो के फॉर्म में अगर है तो हम उसे कहेंगे एक घाती रैखिक संख्या, एक घाती रैखिक संख्या। अब इसमें क्या है, एक और उदाहरण इसमें दे रखा है। उदाहरण है, उदाहरण क्या है कि आप चौकोर मास का पर आपके चौकोर मास का परिमाप 53 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर हो तो इसकी इतनी लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। उसका परिमाप आपको दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है और आप लेंथ दे, चौड़ाई दे रखी है, विड्थ दे रखी है, तो आपको क्या लगाना है, निकालना है लंबाई। तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर है, जो परिमाप होता है, वो क्या होता है, उसके चार भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। तो ये क्या है आपका मास, आयताकार है, इसकी चार भुजाएं, तो क्या हो जाएगा परिमाप, क्या होगा 2 × L + B, ब्रैकेट के अंदर L + B हो जाएगा, उनका हम डबल कर देते हैं, वो उसका परिमाप हो जाता है। तो हमको क्या है, विड्थ तो दे रखी है और L नहीं दे रखा, परंतु परिमाप दे रखा है 53 सेंटीमीटर। तो हम इसको हल करेंगे, माना मास की जो लंबाई है वो क्या है, एक्स सेंटीमीटर मान ली। अब हम मास का निकालेंगे पेरीमीटर, परिमाप निकालेंगे, हो जाएगा 2 × ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा प्लस चौड़ाई हो जाएगा, L + B हो जाएगा। तो L हमने एक्स मान रखा है, बी इतना है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से A मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 से 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 2 से 2 कर जाएगा, ये 9 बचेगा। ये 2 × ये हो जाएगा, इतना कर दिया इसने वैसे, परंतु सीधे 9 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, आगे हम लोग हल करेंगे तो वैसे भी 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 2x + 9 बचा, 2x + 9 इक्वल टू कितना दिया है हमको, 53। इसने थोड़ा इसको ज़्यादा कर रखा अंदर जाके, 2 को इससे कर दिया, 2 9 9 2 जा 18 + 1 19 बाई ये कर दिया, परंतु ये सीधे कितना है, अच्छा, पहले इसको उसमें कन्वर्ट किया इसने, हाँ, ये वैसा नहीं है, 9 मल्टीप्लाई नहीं है, 9.5 है। तो ये क्या था, कैसा था ये किसको सिंपल उसमें पढ़ा, ये अभी क्या है, क्या कौन सा बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन ही बोलते हैं, तो इसने इसको सिंपल फ्रैक्शन, अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसने इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दिया। तो सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 + 1 18 / 2 आ जाएगा, ना 19 / 2 आ जाएगा, फिर इसको इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, तब हुआ ये 2x × 2 × 19 / 2 हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2x + 19 इसका आया, ये इसने कर दिया आगे क्या, इसको बराबर कितना हो गया हमारा 53, ये जो ये वाला दिखा रहा था। फिर 2x = क्या हो जाएगा, 53 - 19, ये यहाँ माइनस लिया है, 53 - = 2x, 53 में से 19 जब कम करेंगे तो कितना बचेगा, 34, कितना बचेगा 34, तो क्या होगा 2x = 34 और x = कितना गया 17, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 17 = 0, ये क्या है, एक एक चर संख्या वाली रैखिक समीकरण है, ये क्या है, एक चर संख्या वाली रैखिक समीकरण। ये आया नहीं आया समझ में, आया कैसे क्या करके, ब्रैकेट खोलना आया, तो ये था। अब इसमें कुछ सवाल दे रखे हैं तो स्वयं प्रयास करो, इसका करना है स्वयं प्रयास करना, आपको इसको हल करना है, पता करना है। पहला क्या है कि निम्न समीकरणों को हल करके पता लगाएं कि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है या नहीं। उसके बाद निम्न दूसरा सवाल दिया, निम्न समीकरणों के लिए कथन स्टेटमेंट बताइए और इनको अपने दोस्तों को भी इनको समझाना। अब पहला वाला जो था, जो स्वयं करना है, इसमें ये देखा कि ये रैखिक संख्या है या नहीं है। तो हमने क्या किया, जैसे इसमें किया था सेम है, ये वाला जैसा किया था ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वही क्रॉस करेंगे हम, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × M - 5 और = 3 से इसको गुणा कर दिया, आ गया समझ में, यहाँ क्रॉस में क्या, इससे 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 इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 × M - 5 ब्रैकेट बंद हो गया, = 3 × M + 7 हो गया। अब इसको 2 से 2 M हो जाएगा और ये -10 आ जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा 10। अब 3 से इसके करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 M + 27 आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, एम एम को एक तरफ किया, 2 M और 3 M इधर आया तो माइनस हो जाएगा, पता है, यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाता तो फिर चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो पता है ना। तो ये 3 M यहाँ आया तो -3 हो गया, ये अगर 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 + 10 हो जाएगा, तो माइनस, अब 2 M + में है, -3 M है, तो बचा -1 M बचा ना, यानी -M बचा, 1 तो लगाते नहीं है, तो M = -M = क्या गया, 31, ठीक है। अब हम M को इधर ले गए इसके पास, तो M यहाँ गया तो प्लस में हो गया, 31 + M = क्या हो गया, 0, अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 बचा ना, तो ये क्या है, रैखिक संख्या है। रैखिक संख्या ऐसे होता है ना, ए एक्स प्लस बी इजिक्वल टू जीरो फॉर्म में, तो ये हो गया ए एक्स, यानी एक्स की जगह में एम हो गया, प्लस बी की जगह में ये हो गया इजिक्वल टू जीरो, या इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये 0 है, तो ये क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है ना, समीकरण है, तो इसमें इजिक्वल टू है तो समीकरण है, इधर 0 है, ये बी है, ये ए एक्स है, ये एक्स की जगह में एम हो गया, प्लस बी इजिक्वल टू 0 है, तो ये हम कहेंगे ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। अब इसी में दूसरा दिया है जो हमको खुद करना है, 2y - 5 / y + 8 = दिया है 4/3। अब इसको हमको वैसे ही करेंगे, इसमें भी क्रॉस करेंगे,
इसको 2 से 2y माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 4 से y प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से ये कर दिया, 4 से इसको कर दिया, अब ब्रैकेट को खोला हमने, 2 2 जा 4 y हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 10 हो जाएगा। अब ये 4 से इसको क्या था, 4 y प्लस 6 कितना होगा, 4 8 जा 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, y y हमने एक तरफ कर दिए तो 4 y और इधर आया माइनस 4 y, अब उधर गया 32 माइनस ये 10 है तो इधर प्लस 10 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या है, 42 है। तो ये स्टेटमेंट सही थोड़ी है, गलत है ना, जीरो कभी 42 हो सकता है? मेरे पास जीरो पैसे हैं तो मैं कहूँगा मेरे पास बैलेंस 42 रुपये हैं, नहीं कहूँगा ना। इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब इसी का हमको थर्ड पार्ट है, ये देखा पी प्लस 5 अपॉन पी माइनस 7 इजिकल टू पी अपॉन 3, ये दिया, इसको हमको चेक करना, हम क्या करेंगे फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और पी से इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 3p प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 इजिकल टू पी से पी को करेंगे पी स्क्वायर आ जाएगा और पी से 7 को करेंगे माइनस 7p आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे पी पी को एक तरफ ले आएंगे तो ये होगा 3p और ये माइनस 7p का होगा यहाँ के प्लस 7p और ये प्लस 15 इजिकल टू हमने क्या रहने दिया, पी स्क्वायर को इधर रहने दिया। उसके बाद हम जिसको करेंगे भी सीधी साधी बात है, जब ये पी स्क्वायर हो गया तो पी की घात 2 होगी, जबकि हमारे पास क्या होती है जो रैखिक समीकरण है एक एक चर वाली, वो उसकी घात कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। क्या कितनी होती है, कितनी होती है पावर उसकी, 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये क्या है, एक रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, चर तो इसमें एक ही है, केवल पी है, परंतु घात क्या है, 2 हो गई। पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। अब इसका फोर्थ में क्या है, x प्लस 3 ओब्लिक एक्स प्लस 5 इजिकल टू 2x अपॉन y है, तो इसमें भी वही क्रॉस में करेंगे और तो ये y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा, ठीक है। y से मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 3 और 2x से मल्टीप्लाई किया y प्लस 5। अब हमने ये ब्रैकेट खोला तो y से x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आई हो गया, y से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3y हो गया प्लस इजिकल टू 2x से y मल्टीप्लाई 2xy हो जाएगा, 2x से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो गया। अब हम क्या करेंगे इनको, अब हमने इसको हल किया तो एक्स वाई माइनस इनको एक तरफ ले आए, 2x इधर ले आए और ये y और जो ये सेपरेट है इनको एक तरफ, ये हो गया 10x और 3y इधर गया तो माइनस 3y, तो ये एक्स वाई माइनस 2xy है तो बचा क्या, एक xy बचा, माइनस xy इजिकल टू हो जाएगा 10x माइनस 3y। अब ये क्या है, ये क्या है कि जो हमारा वो था स्टेटमेंट ए एक्स प्लस बी इजिकल टू सी के फॉर्म में होना था, उस फॉर्म में नहीं आया, इसमें वेरिएबल भी दो हैं, एक x है एक y है, दो वेरिएबल है ना x और y, परंतु जो हमारा रैखिक समीकरण है उसमें वेरिएबल एक होना चाहिए, उसमें चर एक होना चाहिए, तो इसमें चर भी दो है, तो ये क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाली रैखिक समीकरण ये नहीं है। तो ये था जो हमको पहला, दूसरा है जिसमें कहा गया कि अपने साथियों को भी बताइए और इसको खुद करिए, तो ये क्या है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स में 5 घटाने से 0 प्राप्त होता है, इसमें क्या होता है, एक्स में से 5 घटाने से 0 प्राप्त होता है। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ये एक रैखिक समीकरण है और इसमें क्या होता है, एक्स में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमको 0 मिलता है, या फिर एक्स इक्वल टू कितना है, 5 है, एक्स इक्वल टू कितना है, हाँ तभी तो उसमें से 5 घटाने से 5 में से 5 घटाएंगे तभी तो 0 मिलेगा हमें, तो ये भी कह सकते हैं हम। 2m प्लस 3 इक्वल टू 56 है, तो ये समीकरण में m के दुगने में 3 जोड़ने से 56 प्राप्त होता है, जब हम m का दुगना करते हैं उसमें 3 जोड़ते हैं तो 56 हमको प्राप्त होता है, ये इसका स्टेटमेंट कहता है। जैसे हमारे वो स्टेटमेंट कह रहा था कि अगर जो पौधों जितने तुमने लगाया उसका दुगने में 3 जोड़ो तो 9 प्राप्त होता है, तो इसमें कह रहा है कि m का दुगना कर दो उसमें 3 जोड़ दो तो 56 प्राप्त होता है, इससे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाली रैखिक समीकरण है, इसमें क्या जितनी भी हमारे पास वैल्यू है x उसमें 7 जोड़ देते हैं तो हमें 40 मिलता है। अब ये एक है, ये चौथा है, इसमें एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5 इक्वल टू, इसमें एक्स का पांचवा भाग वाई के बराबर है, तो एक्स के अगर हम 5 टुकड़े कर देते हैं तो वो किसके बराबर है, वाई के बराबर, ये समझ में आ रहा है, ये है 1 अपॉन 5, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का पांचवा टुकड़ा, ठीक है, एक्स बाय 5 मतलब एक्स का पांचवा टुकड़ा, एक रोटी होती है ना, 1 बाय 5 मतलब एक का पांचवा टुकड़ा, तो एक्स वाला 5 मतलब एक्स का पांचवा टुकड़ा, तो वो कितने के बराबर है, वाई के बराबर। अब ये पांचवा सवाल है इसी का, एक्स माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 बाय 2, तो इसको अगर हम वही करेंगे कि x माइनस 3 इसने क्या किया, हमने इसको होता है, अब ये पता नहीं इसने कैसे किया, यहाँ तक तो इसका समझ में, x माइनस 3 अपॉन 6 अभी बच गया इसका, हमने एक 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी ये 2 से मल्टीप्लाई किया, चलो 3 बचा तो ये हो गया 2 कट गया 1 यहाँ, ये तो ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, चलो x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3 ये भी ठीक है, तो x अपॉन 3 माइनस 1, अच्छा अच्छा वो उसने एक और समीकरण बना दिया, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू सी के फॉर्म में, इजिकल टू 0 के फॉर्म में बना दिया उसने, 0 के जगह 1 लिख दिया, वो कह रहा है एक्स की एक तिहाई में
अगर एक घटा देते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट बन गई। तो बच्चों ये था आपका मैथ की वर्कशीट नंबर, कौन सी वर्कशीट नंबर है ये मैथ की, ये मैथ की वर्कशीट नंबर 7 है। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसको वो इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। और अगर इसके आपको प्रश्नोत्तर और अभ्यास ज़्यादा डिटेल में देखने हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पर क्लिक करो, वहाँ पर आपको डिटेल से इन सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वर्कशीटों के सारे जो आप क्लास 9 के सारी वर्कशीटों के डिटेल आपको चाहिए तो उस लिंक के बाद जो दूसरा लिंक है उसको क्लिक कीजिए, वहाँ आपको एक वो मिलेगी, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वर्कशीट डाउनलोड की हुई हैं, वो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगी।